हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचना बहल तिवारी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान डाइट इंस्ट्रक्शंस क्यों फॉलो करने चाहिए और किस लिए फॉलो करने चाहिए। दैट्स वे गुड रिलीविंग फॉर पेशेंट, मींस पेशेंट्स को जल्दी बेनिफिट हो, जल्दी क्योर हो, इसलिए डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए फोर्स करते हैं और बोलते हैं। वैसे कोई नीड नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते, पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। होम्योपैथी मेडिसिंस में डाइट इंस्ट्रक्शंस मेनली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पिकल्स, गार्लिक, मिंट, ऑनियन, कॉफ़ी, मीन्स अचार, लहसुन, पुदीना, प्याज और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में लहसुन से एलियम साइटेवा मेडिसिन प्रिपेयर होती है लिक्विड फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में। ऐसे ही प्याज से एलियम सिपा मेडिसिन तैयार होती है, मिंट से मेंथॉल यानी मेंथा पेपरिटा मदर टिंचर्स तैयार होता है, कॉफ़ी से कॉफिया, और पिकल्स इसलिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं अचार को, क्योंकि अचार में जो मसाले यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं और जिन मसालों को उसमें यूज़ किया जाता है, उन मसालों से भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, टबाइकम यूज़ करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि टबाइकम मेडिसिन ऑलरेडी होम्योपैथिक में है। तम्बाकू को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में ऑलरेडी अल्कोहल इंक्लूडेड है। ये सब मेडिसिन के अपने ओन सिम्टम होते हैं, साइनिंग सिम्टम होते हैं, जो हमने अभी मेडिसिन आपको बताई हैं, जिन जिन चीज़ों से तैयार की जाती हैं, इनके एक अपने लक्षण होते हैं जो कि कई बीमारियों में पेशेंट्स को देते हैं और ये ठीक करती हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान इन सब में से कुछ एक दो चीज़ें का सेवन आप कर लेते हैं या खा लेते हैं तो कोई हार्म नहीं है, किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। बस होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको दी गई है या आप लेते हैं, सिर्फ उसकी मेडिसिनल पावर यानी डायनेमिक पावर थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी वह इफ़ेक्ट करती है बॉडी में आपको। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में होम्योपैथी मेडिसिन की कॉम्प्लीमेंट्री फॉलोअर्स, एंटीडोट जैसी मेडिसिन भी होती हैं, कि अगर जो मेडिसिन हमने आपको दी और आपने उसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया या कोई मेडिसिन ले ली तो वो बॉडी में जाके एंटीडोट कर देती है, और नहीं तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इज़ बेस्ट, क्योंकि वो जो थोड़ा 10% इम्प्रूव होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री लेने के बाद में 60% इम्प्रूव हो जाता है, तो वो बेस्ट है। पर बाय द वे, अगर बाय मिस्टेक आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो एक एंटीडोट करती है और आपको नहीं पता है कि ये किस मेडिसिन की एंटीडोट है, तो जो उस मेडिसिन का इफेक्ट बॉडी में होता है उसे एंटीडोट कर देती है। डाइट इंस्ट्रक्शंस में जो हमने अभी आपको बताया है, लहसुन, प्याज, पुदीना, ये उन लोगों को मना करने को बोलते हैं जो लोग डेली बेस पे यूज़ करते हैं, जिनको एक हैबिट होती है कि नहीं हमें ये खाना ही खाना है, इसके बिना वो बिल्कुल रह ही नहीं सकते, तो डाइट इंस्ट्रक्शंस उनको बोलते हैं, उनको मना करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है। मे बी जो मेडिसिन हमने दी है क्या उसका वो एंटीडोट हो, और अगर आप वीकली वंस या ट्वाइस लेते हैं, हफ्ते में एक दो बार खाते हैं, इन सब चीज़ों में से अगर बाय मिस्टेक आप ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेडिसिन आपको वैसे ही इफ़ेक्ट करेगी, किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर मेडिसिन नेम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को अगर पता चल जाए कि हमको ये मेडिसिन से मैं ठीक हुई हूँ या ठीक हुआ हूँ तो मैं अपनी फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स को भी दे के ठीक कर दें एलोपैथ मेडिसिन के जैसा, तो ऐसा कोई नियम होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि जो ठीक आपको करती है ये ज़रूरी नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वो ठीक करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबके डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो आपको सही करेगी वो अदर किसी को सही नहीं करती है, और उस मेडिसिन के भी अपने ओन सिम्टम होते हैं। पर होम्योपैथिक मेडिसिन में भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कॉमन मेडिसिन हैं, जिन्हें पॉलीकिस रेमेडी कहते हैं, जो एक से ज़्यादा बीमारियों को सही करती हैं। अगर उनमें से कोई एक मेडिसिन आप लेते हैं या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं
तो 20 to 60% 70% हीलिंग बॉडी में शुरू हो जाती है, मतलब क्योर हो जाती है, डिसीज़ को क्योर कर देती है। यही रीज़न है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन को लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट या लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि 4 साल 5 साल 6 साल तक एक ही मेडिसिन, होम्योपैथी की कोई एक मेडिसिन इतने समय तक यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके एक अपने सिम्टम होते हैं, अपने लक्षण होते हैं। अगर ज़्यादा समय तक कोई एक होम्योपैथी मेडिसिन लगातार आप उसे खाते रहेंगे तो वो अपने न्यू सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है और वो एक तरीके का चलती फिरती डिसीज़ प्रूविंग हो जाती है बॉडी में। फिर उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन आप लंबे समय तक खा रहे हैं, उसी मेडिसिन के डायनेमिक पावर को सिलेक्ट करके देने से वो हील करती है कम्प्लीटली, फिर क्योर करती है। इसी प्रोसेस को सिमिलियर सिमिलबिस क्यूरेंटर कहते हैं, लाइक क्योर लाइक इन होम्योपैथी। पर ऐसी कंप्लेन बहुत कम होती हैं, क्योंकि बहुत रेयर है, इसलिए क्योंकि पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि होम्योपैथी डॉक्टर उन्हें कौन सी दवा दे रहे हैं, इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग तक कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जो भी यूज़ करते हैं वो सब बायोकेमिकल मेडिसिन होती हैं, पॉलिकिस रेमेडीज़ होती हैं, कॉमन रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि आप आजकल कंपनी मेडिसिन बनाती हैं जिनमें बहुत लो डोजेस से मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत लो पावर की मेडिसिन इंक्लूड करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं होम्योपैथी में, जैसे टैबलेट हैं, ड्रॉप्स है, ऑयल है, शैम्पू है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनाती हैं। ये टोटली सेफ होती हैं, इनका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इनकी बॉक्सेस पे ड्रॉप पे बाहर एक्सपायरी डेट भी मेंशन होता है। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि ड्यूरिंग एक्सपायरी डेट के ही बीच में आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो आप उसी रूल को फॉलो कर सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। जो मैंने डाइट इंस्ट्रक्शंस के बारे में इस वीडियो में आपको बताया है, आप उसे यूज़ करिए। अगर फॉलो करते हैं तो जल्दी सही होंगे, और अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, आप कहीं बाहर रहते हैं या आपको बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स मत ब्रेक करिए, उसे आप लेते रहिए। बस ये है कि जो डाइट इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के टाइम में आप जल्दी क्योर होंगे, और नहीं करने के टाइम में भी क्योर होंगे, पर थोड़ा लेट से होंगे। आपको अगर कुछ डाइट से इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।